Hey guys, welcome back to my channel Jenny's Corner। आज मैं आपको पिंपल्स को 100% रिमूव करने वाले नीम के आइस क्यूब्स बनाने की रेमेडी सिखाऊंगी। नीम की पत्तियों से ये बिल्कुल ही प्योर नेचुरल आइस क्यूब्स बनते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नीम आइस क्यूब्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश नीम की पत्तियाँ ली है। पॉसिबल हो तो फ्रेश ही नीम की पत्तियाँ ले, और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नीम का पाउडर भी यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक बोल में पानी लिया है और नीम की पत्तियों को मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी। तो पत्तियाँ अच्छे से वॉश हो चुकी है, आप देख सकते हो मैंने इसकी डंडी से इसे अलग कर दिया है। अब इसे अच्छे से ग्राइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर मिक्सर जार लिया है और पत्तियों को इसमें डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। हल्का सा पानी ऐड किया है इसमें, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि कोई भी एक पैन या कढ़ाई लेनी है, उसमें पानी लेना है और जो ये पेस्ट है वो इसके अंदर डाल देनी है। तो मैंने पेस्ट को पानी के अंदर डाल दी है। अब चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे बॉईल करना है। इसे पकाते समय आप एक बात जरूर याद रखें कि गैस की फ्लेम आप लो ही रखें। 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी है, और अब इसे बिल्कुल ही ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो ये मिक्सचर बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है, और अब एक आइस ट्रे लेनी है और इस मिक्सचर को आइस ट्रे के अंदर डालना है। आप देख सकते हो हम जो डेली घर पर यूज करते हैं, वही ट्रे का यूज किया है मैंने। तो इसे अच्छे से फिल करना है और अराउंड 5 से 6 घंटे इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देना है, और इसके बाद जो हमारे आइस क्यूब्स है वो बिल्कुल ही रेडी हो जाएंगे। तो अब इसे मैं फ्रीजर में सेट होने के लिए रख रही हूँ। 5 से 6 घंटे में ये सेट हो जाते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे ओवरनाइट फ्रीजर में रख रही हूँ। तो ओवरनाइट इसे फ्रीजर में रखने के बाद मैंने इसे फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है, और आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से ये जम चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है और आइस क्यूब्स को मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से ये रेडी हो चुके हैं। इस आइस क्यूब्स को आपको डेली अपने स्किन पर रब करना है। नीम आपके स्किन में अधिक तेल को भी नियंत्रित करता है, जो आपको पिंपल्स होने से बचाता है। इससे आपकी जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। इससे आपके चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे और स्किन भी चमक जाएगी। नीम आइस क्यूब्स के रेगुलर यूज करने से आपकी जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें हनी यानी कि शहद ऐड कर सकते हो। ये आपको क्लियर स्किन देगी और आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ जाएगा। तो आप भी इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें, और आपके जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।